फीफा वर्ल्ड कप में आज एक सबसे बड़ा मुकाबला जो खेला जाने वाला है वो है जर्मनी और पोर्चुगल के बीच। पिछले विश्व कप में तीसरे स्थान पर रहने वाली जर्मनी की कोशिश होगी कि मैच जीतकर अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ करे। वहीं विश्व की नंबर चार टीम पोर्चुगल भी इस मैच को जीतना चाहेगी और सारा दारोमदार होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कंधों पर। जर्मनी और पुर्तगाल, ये वो टीमें हैं जो इस बार विश्व कप के खिताब की प्रबल दावेदार हैं। दोनों ही टीमें पिछले 12 सालों में बड़े टूर्नामेंटों में 5 बार सेमीफाइनल और 2 बार फाइनल तक पहुंची हैं। ग्रुप जी में शामिल ये दोनों ही टीमें इस बार अपनी जीत को पक्का करना चाहेंगी। ये मुकाबला केवल 2 टीमों के बीच होने वाला साधारण मैच नहीं है, इस मुकाबले पर दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें हैं। इस खिताब के लिए खेलने वाली सारी टीमें मजबूत हैं। हम पुर्तगाल के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। विश्व की नंबर 2 टीम का मुकाबला नंबर 4 टीम से है। जर्मनी एक बेहतरीन टीम होने के बावजूद पिछले एक दशक में एक भी बड़ा खिताब अपने नाम नहीं कर सकी है, लेकिन इस बार टीम के कोच जोकिम लो ने इस कमी को पूरा करने के लिए टीम में काफी बदलाव किए हैं। चोट के कारण मार्को टीम से बाहर हो गए हैं, जो कि टीम के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जर्मनी की टीम बेहद संतुलित नजर आ रही है और रोनाल्डो के खेलने या न खेलने पर भी ये टीम पुर्तगाल को कड़ी चुनौती देगी। रोनाल्डो निश्चित रूप से हमारे अहम खिलाड़ी हैं, वो हमारे कप्तान हैं, हमें उनके अनुभव का फायदा मिलेगा और वो हमारे लिए गोल जरूर करेंगे। पुर्तगाल की सारी उम्मीदें और उनका पूरा विश्व कप का अभियान रोनाल्डो के इर्द-गिर्द घूमता है। ऐसे में रोनाल्डो की फिटनेस टीम के लिए चिंता का कारण हो सकती है। कोच पाउलो बेंटो की रणनीति में विलियम, जोआओ और राउल जैसे खिलाड़ियों की भूमिका भी बेहद अहम है।